एक समय की बात है, एक घर था जो बहुत ही वीरान और सुनसान था। वहाँ पर कोई नहीं रहता था। कई देर बाद वहाँ पे एक परिवार रहने के लिए आया। वहाँ पे उनके साथ कई अजीबोगरीब हादसे होने लगे, जैसे कि सीढ़ियों पे किसी के चलने की आवाजें या फिर दीवारों पे अजीबोगरीब निशान। यहाँ तक कि घर पे जो रखे पौधे थे वो भी मुरझा गए थे। इन सब के पीछे था एक साया। वो साया था कार्बन मोनोक्साइड का, जो उस घर की टूटी हुई फर्नेस से आती थी, जिनके कारण सबको डिजीनेस, हेडेक और ऑडिबल हेलुसिनेशन होता था। हे फ्रेंड्स, माय नेम इज राज एंड यू आर वाचिंग एक्सट्रीम नॉलेज। भूत, आत्मा और जिन हमारी रियल एंड फिक्शनल लाइफ में काफी समय से हैं। यहां तक कि शेक्सपियर की काफी कहानियां सिर्फ भूतों पर ही आधारित हैं। उस समय ये चीजें काफी नॉर्मल थी, यहां पैरानॉर्मल थी। पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल में काफी फर्क होता है। सुपरनैचुरल का मतलब होता है कि कोई चीज हमारी समझ से काफी परे हो और उसमें लॉ ऑफ फिजिक्स फिट ना बैठे, और वहीं पैरानॉर्मल का मतलब होता है कि कोई चीज जो हमें नॉर्मल लगे लेकिन साइंटिफिकली वो प्रूफ ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल, जर्म्स थ्योरी। 1700 ईस्वी तक साइंटिस्ट को खुद नहीं पता था कि जर्म्स हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट करते हैं और उससे कैसे कैसी बीमारियां फैलती हैं। लोग उसे पैरानॉर्मल ही समझते थे। इंसान का दिमाग कुछ ऐसा होता है कि उसे कुछ भी बोलो और वो उस पर यकीन कर लेता है। 1970 ईस्वी में साइंटिस्ट माइकल हार्मनी और बीबीसी न्यूज ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने बोला कि हम आपको टीवी के जरिए एक स्मेल भेजेंगे और आपको वो स्मेल को आइडेंटिफाई करना है, और फिर उन्होंने 10 सेकंड के लिए एक साउंड प्ले की। 200 से ज्यादा लोगों ने बोला कि हमें कटे हुए घास की स्मेल आ रही है और हमें मरे हुए जानवरों की बदबू आ रही है। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि उस समय पॉसिबल ही नहीं था कि टीवी के जरिए हम किसी को भी स्मेल भेज सके, और ये चीज प्रूव करती है कि कोई कुछ भी बोले इंसान उस चीज को सच मान लेते हैं। इंसान का दिमाग हर चीज में मतलब देखता है, जैसे बादलों से तितली, चांद पे इंसान का चेहरा या ब्रह्मांड में भगवान का हाथ, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं कंप्यूटर इफेक्ट। मोस्टली ऐसा होता है कि कई बार ऐसे इवेंट होते हैं जो हमें पता नहीं लगता, तो हम उसका रिलेशन भगवान से या भूत से कर देते हैं। लेकिन साइंस के साथ ऐसा नहीं है। अगर साइंस को कोई चीज ना समझ आए तो वो सीधा मना कर देती है कि इस चीज का हमें अभी रीजन नहीं पता लगा। फॉर एग्जाम्पल, बरमूडा ट्रायंगल। मुस्लिम धर्म में कुरान में ये लिखा हुआ है कि वहां पे एक शैतान बंद है जो पूरे जहाज को या हवाई जहाज को खा जाता है, इसीलिए सारे जहाज गायब हो जाते हैं। दूसरी एग्जांपल है भानगढ़ का किला। लोग मानते हैं कि यहाँ पे भूत रहते हैं, लेकिन साइंस ने ये माना है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है जिसके कारण लोगों को हेलुसिनेशन होती है। 70-80% हॉन्टेड प्लेसेस में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड या इंफ्रारेड साउंड होता है जिनके कारण लोगों को हेलुसिनेशन होती है, हार्ट बीट तेज हो जाते हैं, आई बॉल वाइब्रेट होती है, और बस जब भी हमारी आईज वाइब्रेट होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साइड में कोई खड़ा है, और जब हम वहां पे देखते हैं तो वो चीज वहां से गायब हो जाती है। अगर किसी पे भूत या आत्मा का साया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सच में भूत है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो किसी बीमारी से सफर कर रही है। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसके कारण उस बंदे की पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है, जिसे हम स्प्लिट पर्सनैलिटी भी कहते हैं। दूसरा, अगर किसी को सच में भूत दिखाई देते हैं तो मे बी ही कैन सफर फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया, जिसका मतलब होता है कि उस इंसान को हर चीज रियल लगती है, असली लगती है, और भूत सिर्फ उन लोगों को दिखाई देते हैं जो भूत और भगवान में यकीन रखते हैं, लेकिन साइंस को हमेशा मैग्नेटिक फील नजर आती है। एट लास्ट, ये सब चीजें हमारे दिमाग में होती है। इन सब का कोई ना कोई रीजन होता है, बट वो रीजन भूत नहीं होता, वो रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे बिना स्मेल के कोई गैस हो, सुनाई ना देने वाली कोई साउंड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, या किसी तरह की कोई बीमारी हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें सिर्फ इंसानों के भूत ही क्यों दिखाई देते हैं? कभी किसी डायनासोर का भूत दिखा है, किसी जानवर का, या किसी प्लांट और पौधे का? अगर किसी को सच में भूत दिखाई देते हैं तो इसका मतलब वहां पर कोई नहीं रहता था। वो घर की सभी खिड़की, बारियां, सब कुछ बंद था। एक्शन। भूत, आत्मा और जिन हमारी रियल और फिक्शन लाइफ, रियल एंड फिक्शन। भूत चल चल। कई समय बाद वहां पे एक परिवार रहने के लिए आया। परिवार में 3 दोस्त थे। पैदल चलो। हे फ्रेंड्स, माय नेम इज राज एंड यू आर वाचिंग एक्सट्रीम नॉलेज।